नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आप देख रहे हैं कितने दिनों से हम लगातार ये ऑफलाइन क्लासेस की रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं, और अब ये बैच भी खत्म होने के कगार पे। हम जो काम करते हैं शुरू उसको खत्म पूरा करके ही सांस लेते हैं। अभी अलजेब्रा आपने पढ़ा, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे आप, और जो बच्चे मेन्स की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा अनअकैडमी पे अभी प्लस बैच आया हुआ है, पेड बैच, जिसमें आप आ सकते हैं, और जिसके ऊपर अभी फीस भी काफ़ी कम है। आप अभिनय मैथ्स कोड लगाएंगे तो फीस पे भी काफ़ी छूट है। और इसके अलावा ये आप अनअकैडमी पे अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें स्कॉलरशिप भी है। अगर आप ये टेस्ट पास करते हैं तो आपको फ्री क्लासेस पढ़ने का मौका मिलेगा, और ये भी अल्ट्रा कॉम्बैट है। तो सारी चीज़ें दे रखी हैं। इनके अलावा मैं अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लास में भी मेंस का प्रैक्टिस बैच लॉन्च करने वाला हूँ, उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो अभी जो मैंने क्रैश कोर्स पढ़ा है, जो बच्चे अगले साल की तैयारी कर रहे हैं वो उसको भी पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेस्ट है। और बाकी ये 28 अप्रैल से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं मेंस का, सुबह 10 से 12 एडवांस मेंस करेंगे, और फिर 25 मई से रात को 8 से 10 अर्थमेटिक, यानी रेगुलर चलाएंगे सेम टाइम पे दोनों बैचेस, ताकि जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म हो। 200 घंटे की क्लासेस अप्रॉक्स इसमें लगेंगी, ज़्यादा ही लगेंगी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, कोई बात नहीं होगी। चलो जी, कहाँ पे थे? थोड़ा आइडिया तो दे दो यार, ये क्या हुआ? सब आ जाएगा। कहाँ पे थे भाई सिंगम? अच्छा, वो हमने एक सवाल पढ़ा था, वैसे ही सवाल हमें कंटिन्यू करने थे। ठीक है, लिखना एक सवाल, लिखना जरा। साइन एक्स बटे साइन वाई बराबर एम कॉस एक्स बटे कॉस वाई बराबर एन, ये लिखा हुआ है। ठीक है जी, आपसे पूछ रहा है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई बराबर क्या होगा। ऑप्शन है 1 माइनस एन स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस 1 खाली एन स्क्वायर, या फिर एम स्क्वायर। ये आपसे पूछ रहा, कोई वैल्यू अब आपको पुट नहीं करनी, जितनी पुट करनी थी मैंने करवा दी। कि जब भी ऐसा सवाल आता है तो हम कैसे इलिमिनेट करते हैं, हम बहुत सारे एक जैसे सवाल करेंगे, कहीं भी आपको तकलीफ नहीं होगी, ज़्यादा टाइम मैं दूंगा नहीं आपको। साइन एक्स किसके बराबर होगा? एम साइन वाई। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, एम साइन वाई। ठीक है, और कॉस एक्स बराबर कितना होगा? एन कॉस वाई। तो अगर हम इनको स्क्वायर करके जोड़ें तो क्या होगा? 1 बराबर m² साइन स्क्वायर वाई प्लस n² कॉस स्क्वायर वाई। ठीक है, अब हमें m² माइनस n² केवल साइन स्क्वायर वाई चाहिए, हमें कॉस कहीं चाहिए नहीं, तो हम कॉस को क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे m² साइन स्क्वायर वाई प्लस एन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। क्या हुआ? ठीक है, नहीं नाश्ता तो चाय के साथ आएगा, कटोरी में चटनी के साथ। ये भेज दो, भी किताबें भेज दो भाई मेरी, नहीं आप ही ले आओ। ये जूते आपको पता किसने दिए थे?
शर्ट नहीं है, लेकिन शर्ट नहीं है, बकवास नहीं बिल्कुल भी। हाँ अच्छे से ही बनवाओ जाए। चटनी है, पराठा एक ही है, ध्यान रखना। तो साइन स्क्वायर वही कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई। तो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, वन माइनस एन स्क्वायर। तो आपको इन सवालों को ऐसे ही करना है, कोई खास लाइनें लगेंगी नहीं, एक लाइन और ये दो और तीसरी लाइन में उत्तर आ जाएगा। क्या हो गया, कौन बकवास कर रहा है पीछे, कौन है बे? अगर हमें पता चला कि दो लड़के लड़ रहे हैं तो समझ लेना फिर। चलो जी अगला सवाल लिख रहे हैं। और जी इंदिरा गांधी जी क्या हाल चाल है आपके, कुछ भी कह दो, ये क्या है मतलब, तो आगे से नहीं करना फिर ऐसे। आगे से फिर ऐसी कोशिश मत करना, नहीं इंदिरा गांधी बनने की, ठीक है। देखो भाई अगला सवाल लिख रहे हैं, साइन एक्स बटे कॉस वाई बराबर एम, और साइन एक्स बटे साइन वाई बराबर एन। एसी ऑन करवा दो, ऑन है, ऑन कर लो खुद ही। तुम्हें नहीं पता समझ में आता कि लाल लाइट जल रही है, अगर उसमें कूलिंग नहीं हो रही बिल्कुल भी, टेम्परेचर कम करवा लो इसका भाई, टेम्परेचर कम कर देना। साइन स्क्वायर वाई ये खुद बताना है कि क्या आएगा तुम्हें, वन माइनस साइन स्क्वायर आएगा, वन माइनस एम स्क्वायर आएगा, एन स्क्वायर माइनस वन आएगा, खाली एन स्क्वायर आएगा। देख लो इसमें से भी कोई ना आए तो अपनी तरफ से ऑप्शन जोड़ लेना। और मिस्टर मोजो क्या हाल है बेटा, एक भाई लिख के भेज रहा है कि सुन तू, मुझे कोई शौक नहीं अपनी बातें सबके सामने करूं, पर क्या करूं, एक जरिया है अपने दिल की बात तुझसे कहने का। यहाँ के लड़के इतने बेकार शेर व शायरियां लिख के भेजते हैं। कल जो तुम्हें देखा तो अजीब लगा, आंखें मासूम लगी, चेहरा तहजीब लगा, मैं समझा रहा था दिल को तुम्हें पाना नहीं आसान, जिद करके दिल बोला कुछ तो तरकीब लगा। किस किसे
अजीबो गरीब लौंडे हैं यार इस क्लास में, मैं क्या बताऊं इनको, पता नहीं भाई। लड़की लोग तुम भी लिखना शुरू करो, तुम लोगों को कुछ नहीं लिखना आता, पीछे हो रही हो तुम इनसे इन सब मामलों में। एक लड़का कह रहा सर जूते ऊपर करके दिखा दो भाई, क्यों बार बार मतलब ऐसे ऐसे है, क्यों ऐसे बार बार मतलब तुम भाई के ऊपर वार कर रहे हो। एम स्क्वायर आ रहा है, आने जा रहे हैं क्योंकि उनकी कुंडली चोरी हो गई है। लगा लो भाई फांसी, उतार लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक ही तरीका है कि यहाँ पे साइन एक्स, हमें क्या करना होता है, जैसे इसमें वाई है तो हमें एक्स को इलिमिनेट करना है। देखिए एक्स यहाँ पे बड़े आसानी से इलिमिनेट हो रहा है कि यहाँ पे एम कॉस वाई आ रहा है इसका मान, और यहाँ पे एन साइन वाई आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है तो अब स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, क्योंकि हमें स्क्वायर की जरूरत है। एम कॉस स्क्वायर वाई बराबर एन स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई। अब हमें साइन स्क्वायर वाई की जरूरत है तो यहां पे क्या लिख दें, वन माइनस साइन स्क्वायर वाई बराबर एन स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई। ठीक है तो आप देखेंगे उधर जाएगा तो इधर एम स्क्वायर रह जाएगा, और उधर क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई। तो उत्तर क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर। तो वो ऑप्शन में था नहीं तो मैच कर लो ये रहा। ठीक है जी, एक सवाल और लिख लो जल्दी जल्दी से, कुछ ऐसे सवाल हैं जो बार बार रिपीट होते हैं पेपर में, मैं चाह रहा हूं इसलिए कि जल्दी से आप लिख लें। इसमें कुछ नहीं था, काफी लोगों ने कर भी लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल आपने लिखना है। टेन एक्स बराबर एन टेन वाई, साइन एक्स बराबर एम साइन वाई। तो आपको बताना है कि जी कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स ऑप्शन है जी एम स्क्वायर माइनस वन बटे वन माइनस एन स्क्वायर, वन माइनस एम स्क्वायर बटे वन प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस वन बटे एन स्क्वायर माइनस वन, एम स्क्वायर बटे एन स्क्वायर। इनके ऑप्शन नंबर बड़े करीब होते हैं तो इनमें थोड़ा वैल्यू पुट करना थोड़ा सा खतरनाक रहता है कि ना कि ज्यादा सही है। ठीक है वैसे तो आप समझदार हो खुद मुझसे ज्यादा, मैं आपको क्या ही समझा पाऊंगा। पार्लर वाले भाई सब चले गए क्या, अच्छा है अभी, ठीक जगह बदल गई।
देखो भाई, कैसे हम इस सवाल को करेंगे? आपने अभी तक जो सवाल किया, आपने देखा कि हम क्या कर रहे थे भाई, हम m और n मान रहे थे, ठीक है? ठीक है, हम m और n जो साइन एक्स और साइन वाई या कॉस एक्स और कॉस वाई से निकाल रहे थे कि नहीं? तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि हम इसको भी ऐसा करते हैं, चेंज कर लेते हैं साइन एक्स और कॉस वाई में, ठीक है? बहुत सिंपल है, हमने क्या किया, साइन एक्स बटे कॉस एक्स बराबर एन साइन वाई बटे कॉस वाई, ठीक है जी? अब साइन एक्स का मान आपको पता है, साइन एक्स का मान हम यहां से उठा के यहां रख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा वो, एम साइन वाई बटे कॉस एक्स बराबर एन साइन वाई बटे कॉस वाई। तो आप खुद नोटिस करेंगे कि साइन वाई से साइन वाई कट जाएगा। तो देखिए, अब हमें कैसे लिखना है इसको, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एम कॉस वाई, तो वाई को वाई के नीचे लिख लेते हैं एम कॉस वाई, और एन को इसके नीचे लिख लेते हैं एन कॉस एक्स। तो आप खुद यहां पे नोटिस कर रहे हैं कि अगर मैं स्क्वायर करके जोड़ देता हूं तो वाई इलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि दोनों का कॉफिशियंट एम है और एम स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। इन केस ऐसा होता कि वाई इलिमिनेट ना होता, यहां पे एम होता और यहां पे एन होता, तब हम क्या करते कि एन से इधर डिवाइड करते, एम से इधर डिवाइड करते, और फिर खाली क्या रह जाता, साइन वाई और कॉस वाई, फिर उसका स्क्वायर करते, क्योंकि मुझे तो वाई इलिमिनेट करना ही करना है। तो अगर हम इसे इलिमिनेट करेंगे तो आप देखेंगे यहां पे सिर्फ एम स्क्वायर बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि ब्रैकेट में साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई आ जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा, वन के। यहां पे करेंगे तो यहां पे साइन स्क्वायर एक्स आएगा प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपको तो चाहिए सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स, तो आप साइन स्क्वायर एक्स को भी किसमें बदल देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स में, प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बराबर एम स्क्वायर। अब इस पूरे में से कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा अंदर एन स्क्वायर माइनस वन, और वन को उधर ले जाएंगे तो बचेगा एम स्क्वायर माइनस वन। तो कॉस स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, दिस विल बी कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है दोस्तों बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अद्भुत है आप। मैं कई सारे सवाल कराऊंगा भी, और दो सवाल पूछूंगा, तीन सवाल पूछूंगा, जब तक आपको ये बात क्लियर नहीं हो जाएगी। अभी हम कब तक, हाँ 1 फरवरी तक वैसे तो हम यही पढ़ने वाले थे, लेकिन अब क्या हुआ है कि आई लेफ्ट अन अकेडमी, पूरे महीने आपकी क्लास चलने वाली थी अन अकेडमी की फरवरी की, तो मैं छोड़ दिया, और बहुत मोटा पैकेज भी था। नहीं, जो अब चल रहा है वो तो खत्म होने वाला ही है। फरवरी से क्या हो रहा था कि यू आर ए सैलरीड पर्सन, मतलब कोई शेयर बेसिस नहीं होगा, और माई पैकेज वाज 3.54 CR पर ईयर, लेकिन डेली 2 घंटे पढ़ाना था, डेली सिर्फ 2 घंटे। तो कोई भी मैं 2 क्लास ले लेता, लाइव कर देता 1-1 घंटे की, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर मैंने इसीलिए छोड़ दिया कि वो चाहते थे कि मैं बैठ के पढ़ाऊं, मतलब ऐसे बोर्ड पे ना पढ़ाऊं, बस बात इतनी सी थी। बैठ के पढ़ाने वाला सिस्टम, फिर इसका मतलब हो गया कि इस क्लासेस के अलावा और 2 घंटे देना, वैसे उसमें मुझे आराम है। अगर मुझे आपकी क्लास में लेनी हो तो क्या है, सुबह 2 घंटे पढ़ाए, मैं अपनी जिंदगी काट ही लूंगा इतने पैसे में, तो आराम से रोज 1 लाख भी खर्च करूंगा तो ठीक है, इट्स ओके, कहाँ खर्च करूंगा। लेकिन मुझे डर लगता है उस एंजाइटी से। अभी देखो फिर ठीक हो गया, जैसे मैंने अनअकैडमी की क्लास इसके साथ मर्ज की, फिर ठीक हो गया। तो मैंने अपनी हेल्थ को ऊपर रखते हुए पैसे को ऐसे करके ठोकर मार दी। मेरे पिताजी ने बोला, बेटा क्या है, क्यों फिक्र करता है, बता तू क्या चाहिए तुझे। मैंने बता दी वही वाली बात। अरे कितना हंस रहे हो, आ गए कर ली 2 रिश्ते। हाँ अजी, फोटो का तो कुछ नहीं है, आप भी जानते हो। है लेकिन हमारे जैसे लोग भी इस दुनिया में हैं जो फोटो और सामने पे सेम लगते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता किसी के बारे में। लोग बड़े रौले से बचाते हैं जी, वो बेटी इंजीनियर है, 7.5 लाख का पैकेज है उसका,
कोई बता तो 4.5 लाख का पैकेज है जी उसका। पैकेज पैकेज से डरेंगे हम। साइन एक्स बटे साइन वाई बराबर ए, कॉस एक्स बटे कॉस वाई बराबर बी। आपसे पूछ रहा है साइन स्क्वायर वाई क्या होगा, पता नहीं अब क्या पूछ रहा है, लेकिन आप यही निकाल दो। मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली क्या सवाल आया था पेपर में, लेकिन आप यही निकाल दो। ये शायद निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा भगवान जाने। निकल जाएगा यार, आप जिस क्वालिटी के लड़के हो ना, सीरियसली यू आर हरिद्वार वाले भाई साहब। मतलब मैंने बहुत भयंकर सपना सा देखा और उसमें ही आए हैं सपने कि हम फंस गए हर की पौड़ी पे, और इनका नंबर मुझे याद आया, मैंने इनको कॉल कराया कि भाई साहब दोनों तरफ से गंगा बह रही है। देखो नहीं निकल पा रहा, हो गया यार। आप तो बहुत तगड़े लड़के निकले यार। अच्छा साइन स्क्वायर वाई तो पूछा था, तो ये तो सिंपल था, साइन एक्स बराबर ए साइन वाई, कॉस एक्स बराबर बी कॉस वाई, दोनों को जोड़ दिया, 1 बराबर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, किसी को ऐतराज होता रहे। तो साइन स्क्वायर वाई कितना आ जाएगा जी, अगर हम यहाँ से घटाएं तो 1 माइनस बी स्क्वायर तो इधर आ जाएगा, और साइन स्क्वायर वाई अगर कॉमन लेंगे। बिल्कुल सही सवाल पूछा मैंने, यही सवाल पेपर में आया हुआ था। तो इस साइन स्क्वायर वाई आ जाएगा जी 20 स्क्वायर माइनस 1 बटे 20 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा कुछ करके उन्होंने उत्तर दिया हुआ था। माइनस कॉमन लेके, माइनस कॉमन आ जाएगा तो यही आ जाएगा उत्तर। ठीक है यदु, आप समझ रहे हो बेटा? सीरियसली? नहीं नहीं खुशी कोई नहीं है, बस नहीं नहीं है ही नहीं। अब मत मानो, चल चलो आगे बढ़े। नहीं नहीं एक दो सवाल और पूछता हूँ, थोड़ा ठीक ठीक से सवाल पूछता हूँ।
नागासाकी करता हूँ तुम्हारे। नागासाकी क्या होता है? बोलो तो एक कठिन सवाल पूछ लो। हरिद्वार वाले भाई साहब बताए पक्का? देखते हैं, ठीक है? ऑप्शन नहीं दूंगा, बता दूंगा कि पी क्यू में उत्तर है, ठीक है? क्योंकि ऑप्शन देके तो अब आप वैल्यू वगैरह पुट कर ही ले रहे हैं ना, सीख गए इतना तो। लेकिन साइन ए अपॉन साइन बी, फतरप बेटा ये तुम्हारे लिए लिख रहे हैं, कह रहे हैं सर ये यद्रप्पा क्या बीमारी है। हाँ साइन है, आप देख रहे होंगे मैं इतने ऊपर से लिख रहा हूं, इसकी वजह कोई खास बता सकता है? इसका सलूशन बड़ा है, कॉस ए बटे कॉस बी बराबर क्यू। क्यू है ये भाई क्यू, तो आपसे पूछ रहा है टेन ए और टेन बी का मान पूछ रहा है, और वो भी क्यू और पी की टर्म में पूछ रहा है, पी और क्यू की टर्म में पूछ रहा है भाई। तो अब देख लो तुम क्या करना है तुम्हें, हो जाएगा? चलो जी मैं तो मानता हूं कि आप कर लोगे क्योंकि आप इतने अच्छे लड़के हो। लड़की को गोदी में बिठा, देखो जी अगर मैं इन दोनों को भाग लगा दूं, इन दोनों को अगर मैं भाग लगा दूं तो ये आ जाएगा टेन ए अपॉन टेन बी बराबर पी बाई क्यू, ठीक है? यहां से हम साइन भी निकाल सकते हैं आराम से, यानी कि आप खुद देख रहे हैं कि अगर टेन बी की मैं बात करूं यहां से टेन ए की, तो टेन ए जो आ रहा है वो आ रहा है पी बाई क्यू और टेन स्क्वायर बी, यही आ रहा है। यानी कि अगर ऑप्शन में कहीं पी बाई क्यू एक ही ऑप्शन में होता तो मैं वहीं से टिक लगा देता जी ये उत्तर होगा, लेकिन अब मुझे सिर्फ क्या निकालना है, टेन बी निकालना मेरा फर्ज है बस, और कुछ नहीं। तो आप देखिए यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं कि साइन ए बराबर, बड़ा मजा आता है पता आपके साथ पढ़ने में क्योंकि बच्चे इंटेलिजेंट है, रेसिप्रोकेट करते हैं कोई भी चीज हो, जब तक सामने वाला रेसिप्रोकेट ना करे ना तो उमंगे जगती नहीं है जी। रह रह के मेरे दिल में उठती हैं ये तरंगे, है मेरे दिल में तुझसे मिलने की उमंगे, कभी आ भी जाओ प्रियतम गुमराह चलते चलते, पलकों से बुहारेंगे तेरे रास्ते को। देखो कॉस ए बराबर क्यू कॉस बी, स्क्वायर करके जोड़ने क्या होगा वन बराबर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी होगा क्यों? अब मैं ये कह रहा हूं कि यहीं से अगर साइन स्क्वायर बी या ट्राइंगल ना बनाने की सोचें तो यहीं से भी निकल जाएगा, कॉस स्क्वायर बी से पूरे को भाग लगा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा जी सेक स्क्वायर बी, पनला समझो बात को, और पी स्क्वायर टेन स्क्वायर बी और प्लस क्यू स्क्वायर, यही होगा। सेक स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर बी। अब आप खुद देखोगे कि टेन स्क्वायर भी उधर आएगा और क्यू स्क्वायर इधर आएगा, तो वन माइनस क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस वन टेन स्क्वायर भी। मुझे लगता है इससे छोटा सवाल कहीं नहीं होगा, जहां से मैंने इस सवाल को देखा था उन्होंने पूरा डेढ़ पन्ना भर रखा था वो लेमडा मान के, और वही ये हम इस तरीके से करेंगे तो ये आसानी हो गया सवाल। पी बाई क्यू और टेन स्क्वायर बी का डायरेक्ट मान हमें मिल गया कितना वन माइनस क्यू स्क्वायर
और बटे पी स्क्वायर माइनस वन, ये ज्यादा छोटा है ठीक है। तो इतने ही लाइन में हमने कितनी लाइन लगाई है जी, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन मुझे लगता है एसएससी के लिए सफिशियंट है। 6 से 8 लाइन का ही सवाल एसएससी में आता है। मैं कायल हूं जी आपके इंटेलिजेंसी का, कायल समझते हैं, ये घायल का उल्टा होता है कायल। पारुल जी आपको बात आ रही समझ, आपसे हो गया था सवाल, वेरी गुड भाई साहब ऑफ पार्लर, आपसे हो गया था अभी समझ में आ गया, यू आर द किंग यार। उस दिन मैंने आपको डिस्टर्ब किया उसके लिए सॉरी यार, आप गाजियाबाद थे मुझे नहीं पता था, लेकिन अर्जेंट था तो करना पड़ा। अच्छा हुआ आपका फोन बंद नहीं हुआ था। यदुरप्पा क्यों बे, क्या हाल है मोजो जी, आपका यही उत्तर था, आप बड़ी इंटेलिजेंट है, मुझे लगता है आपका सिलेक्शन इसी बार पहली बार में ही हो जाएगा, नहीं होप सो, ये क्या होता है होप सो। अच्छा इसका मतलब होता है उम्मीद है, वेरी गुड। एक्चुअली क्या होता है कि जब बच्चा गांव से निकल के दिल्ली में आता है तो खास तौर से लड़कों की बात नहीं करूंगा मैं, तो गांव से जब निकल के आता तो ये दिखाने की कोशिश करता है कि आई एम सो मॉडर्न, ठीक है ड्रेसिंग सेंस, भले ही मुंह खोलते ही कचरा हो जाना है। मैंने कब, तो मैं कौन सा स्टाइल मार रहा हूं मैं कौन, हाँ ये हाँ ये बेवकूफ है, समझाओ इसको, मॉडर्न बनने की कोशिश या हम वी गो फॉर यस पापा ने कहा था कि दस बजे के बाद बाहर मत जाना, ये तो हमसे भी आगे निकल गए। हाँ वही वही होता है, ये है बिल्कुल। वैसे दिखाना कि मतलब हम गांव से नहीं है, नहीं 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 वो तो कस्बा है कस्बा, अरे गांव के बगल में जिसमें 4 मेडिकल स्टोर खुल जाए उसी कस्बा कह देते हैं, क्या अंतर क्या कस्बे और गांव में। सर प्लीज वो क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से करवा दो प्लीज, यार ये पता नहीं कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा है, वैल्यू पुटिंग से यहाँ माहौल कुछ और है, ये बदलने की कोशिश कर रहा है। क्यों जी मैम, ये इधर इनसे बात कराओ जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से आई है, हिसार से आई है, अच्छा कैसे, बस से, आप तो एयरपोर्ट भी बन गया उधर, कार से आई थी, ओ मतलब इससे पता लग गया जी, मतलब आप आगे क्या ही पूछे। वेरी नाइस वेरी नाइस, तो पढ़ाई समझ में आ रही है आपको, अकेली आई है और साथ में भी कोई है, अकेली है कोई नहीं, तुम्हें क्यों हंसी आ रही है, गलती ये भी आई थी पहली क्लास में भाई साहब, तो पहली क्लास में आते साइन ए बटे साइन बी बराबर अंडर रूट 3/2 कॉस ए बटे कॉस बी बराबर अंडर रूट 5/2, ठीक है दोस्तों आप समझ रही हैं जी, सही चल रहा है सब। 3 10 स्क्वायर है, 3 10 ए खाली नहीं क्या,
चार टेन स्क्वायर ए प्लस थ्री टेन बी का मान बताना है क्या होगा। टेन बी का स्क्वायर नहीं है, पता नहीं। कितना आ रहा है तुम्हारा? ट्वेंटी सेवन बाई फाइव। छोटू आप बताओ, कंचे खेल लेते हो? कौन सा वाला? ये वाला या वो? ऐसे दोनों नहीं? नहीं नहीं, ऐसे करके। अच्छा, आप में से गुच्ची पाला गेम किसने खेला है? गुच्ची पाला तुमने खेला? गुच्ची पाला गड्ढा बना लेते हैं बहुत सारे। उसमें डंडा नहीं होता, केवल बॉल होती है और वो आपको गिरानी होती है खाने में। हाँ आप दोनों का क्या आ रहा है जी उत्तर? ये पर्पल कलर, क्या उत्तर आ रहा है तुम्हारे इस सवाल का? बड़ी इंटेलिजेंट हो गया तुमसे, सवाल है टीप लिया तुमने किसी का। मिस्टर सौचिन 27/5। अभी ले रहे हैं जी सबके सवाल। देखिए, टू साइन ए बराबर अंडर रूट तीन साइन बी और टू कॉस ए बराबर अंडर रूट फाइव कॉस बी। ये हुआ, यही होगा कि नहीं होगा बे? होगा, ठीक है। दोनों को आपने स्क्वायर करके जोड़ दिया, इधर कितना आ जाएगा? चार। इधर तीन साइन स्क्वायर भी प्लस फाइव को भी मैंने ऐसे लिख दिया, थ्री कॉस स्क्वायर भी प्लस टू कॉस स्क्वायर भी, आपकी खातिर मेरे दिल का जहां यहां जरा ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा जी? तीन उधर जाएगा जी, एक माइनस होगा, एक एक होगा कि नहीं होगा? और बाई टू बराबर कॉस स्क्वायर भी। तो आपने देखा यहां से कॉस भी कितना आ गया? वन बाई रूट टू, यानी कि बी कितना है? 45। बी 45 है, ठीक है। अब आप देखो, अगर मैं इन दोनों को भाग लगा दूं जैसे कि आप बार बार कर रहे थे, तो टेन ए अपॉन टेन बी कितना होगा? रूट तीन बटे रूट पांच। अब 45 तो वन है, तो ये टेन ए की वैल्यू आ गई रूट तीन बटे पांच। तो इसको रख देते हैं यहां, चार गुणा तीन बटे पांच प्लस तीन, पांच तिया पंद्रह, चार तिया बारह, 27/5। तो इसमें कहां दिक्कत थी जरा मुझे बताओ? इसमें भी आपके अलग अलग उत्तर आ रहे थे। जीना तो दूर की बात है, समोसे वाले की उधार बची हुई थी, वो भी नहीं देकर गए।
भीगी भीगी सड़कों पे तेरा इंतजार करूं। हेलो, अब जी अगर ऐसा कोई भी सवाल आएगा तो कर लेंगे, आगे बढ़ जाएं फिर। इसी में दूसरे टाइप के सवाल करें, इसमें कई सारे टाइप के सवाल बनते हैं, तो ये वाले टाइप का सवाल आपने कर लिया। अब हम इसी आइडेंटिटी में दूसरे टाइप के सवालों की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है? चलिए एक बहुत छोटा सा सवाल लिखिए। तो अगले टाइप का सवाल क्या है लिखिए? इलिमिनेशन पे दो सवाल और कर लीजिए, या एक सवाल और कर लीजिए इलिमिनेशन पे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये समझ आ गया ना सबको? भाई आपको कैसे इतनी हंसी आ रही है? मैंने कुछ कहा ऐसा? ये सूबेदार ने हरिद्वार वाले भाई साहब क्या कहा जा रहा बताना। यार इस लड़के ने तो भाई जान ले ली। ये कह रहा है कि वैल्यू पुटिंग से करवा दो। इसका कौन सा सवाल है यार? इसने 100 बार ये बात बोल दी। ये चौथी पांचवी पर्ची है इसकी। कौन सा था, कौन सा इसका सवाल वैल्यू पुटिंग से? नहीं मैं ढूंढ लेता हूँ। ये 3-4 पर्ची इसी की है भाई। कौन सा आप बोल के ही बता दो। अच्छा ये वाला वैल्यू पुटिंग से नहीं हो रहा। साइन एक्स, पता नहीं कुछ लोग होते हैं ना एक ही चीज के पीछे पड़ जाते हैं, और वो चीज पता है हासिल कभी नहीं होती है, ध्यान रखना। हमेशा सामने वाले को ये लगना चाहिए कि किसी भी चीज को इतना अनमोल ना बनाओ कि आप उसे खरीद ही ना पाओ। ये हमारे हाथ में होता है किसी भी चीज की वैल्यू निर्धारित करना, समझ रहे हैं? इतना अनमोल नहीं बनाना चाहिए किसी भी चीज को कि फिर वो आप ही ना खरीद पाओ। क्यों कुंती जी, हम सही बात नहीं कह रहे? आप तो एक्सपीरियंस है, सीनियर है, सब जानते हैं। टेन एक्स है ये तो, साइन एक्स लिख रहा है, लेकिन इसकी राइटिंग इतनी गंदी है हलवे की। अब ये इसको वैल्यू पुटिंग से करना चाह रहा है। ये कह रहा है कि एक्स 8 रखूंगा, वाई 30। तो रख लो भाई। इसका उत्तर कितना आ रहा था जी? एम स्क्वायर माइनस 1 बटे एन स्क्वायर माइनस 1। हाँ तो मैं तो एक ही करके दिखाऊंगा ना, जब दो कर रहे हैं तो रख क्यों रहा है एक्स 8 और वाई 30? मैंने थोड़ी बोला है, अपनी मर्जी से रख रहा है ना। इसने एक्स को 60 रखा, टेन 60 कितना हो गया? √3 बराबर एन 1/√3। इसने वाई को 30 रखा है तो एन कितना आ गया? 3। ठीक है, अब एक्स 60 रखा है तो वो √3/2 आ गया, और एम साइन वाई
वन बाई टू, तो टू से टू कट गया, एम रूट थ्री आ गया, रख दिया मैंने यहाँ पे। अब कॉस स्क्वायर एक्स निकालना है, तो एक्स अगर हम 60 रख रहे हैं तो 1/4 आना चाहिए, ये आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं आ रहा है कि नहीं। एम रूट तीन, तीन माइनस एक दो, बटे तीन दिया नौ में से एक गया आठ, 1/4 आ रहा है भाई, सही तो है, क्या गलत है इसमें बताओ तो, अब इसको पूछो तो क्या गलत है, क्या कह रहा है ये भाई? जब दो आंसर सेम आ रहे तो तुम वाई 30 और 60 रख क्यों रहे हो, ये कितनी नई बात पूछ रहे हैं, देखो तो सही, इनके ऊपर से प्रसाद चढ़ना चाहिए कि ये इतनी नई बात पूछ रहे हैं, इन्होंने नई खोज की है कि दो आंसर सेम आ रहे हैं, तो मैंने कहा था आपको 60 और 30 रखो, नहीं कहा था ना मैंने, जब इतने दिन से मैं कह रहा था तब ये वैल्यू पुट नहीं करते थे, तब कहते थे मैं तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स फल लगाऊंगा, अब जब मैं पढ़ा रहा हूँ वो कंसेप्ट, वैल्यू पुटिंग खत्म हो गई, 6 दिन से यही कर रहे थे वैल्यू पुटिंग, 7 दिन से, तब आप कहाँ थे? तब तो आप भैयाओं के ससुराल में मजा ले रहे थे। कितने लड़के ऐसे होते हैं जो खुद का भाई भी नहीं होगा, कजिन की ससुराल में तीन तीन दिन पड़े रहते हैं, सम्मान तो मिलता ही है, कुछ भी कहते तो सामने वाला लौट के जवाब भी नहीं देते, जी क्या कहें जीजा के, भैया जीजा गुस्सा हो जाएंगे, जब तक इनकी बात बन नहीं जाएगी लौटेंगे नहीं वहां से, सास को पता चल जाता है कि जी यहीं पड़ा है, क्या करें इसका, जी कुछ नहीं है जी, इसको साग खिलाओ सुबह दोपहर शाम, रोज पालक का साग खेत से आ रहा है, रोज सुबह शाम साग, अब आदमी फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि भाई साग क्यों खिला रहे हो, अब क्या सलिया निकल आएगी, रोज आयरन दे रहे हो तभी मानोगे, है सलिया समझते हो, लोहे की होती है। पता नहीं कैसे कैसे लड़के इन्होंने जन्म ले लिया, मैं तो सही बता रहा हूं। मैं तो अभी एक नई दुकान खोलूंगा झंड की, नहीं सही चलेगी ना, बंदे अपने आएंगे, 100 देखने वालों का टिकट होगा जी 5 रुपए, बच्चा अपना मूड फ्रेश करना चाह रहा है पढ़ाई के दौरान, अपना आ जाए जी 5 रुपए में टिकट लेके, अल्लाह और चलाएंगे, पता चल रहा है 15-15 हजार बच्चे लाइव देख रहे हैं सो, हाँ ऐसे ही बिठा लेंगे और क्या, कपल एंट्री फ्री कर देंगे बाकी पैसा लेंगे, हाँ वहां से कंटेंट मिलेगा ना जी, तो इसीलिए वो एंट्री फ्री रहेगी, बाकी तो पेड होगा, स्टैग एंट्री नॉट अलाउड भी कर देंगे अगर ज्यादा कपल आ गए तो, स्टैग एंट्री समझ में आती है, मैंने नहीं, मैं क्लब बार ये सब कभी नहीं गया अपने जीवन में, कभी नहीं, कुछ मेरे रूल है फिक्स कि ये चीज कभी करनी नहीं जीवन में, हाँ नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मतलब बीड़ी सिगरेट तंबाकू नशा ये सारी चीजें हैं खराब, हमें तो नशा है गणित का जनाब, न बीड़ी ना सिगरेट ना तम्बाकू ना शराब, शायरी बन गई समझ गए, अरे हम तो खड़े खड़े शायरी बनाते हैं और क्या है। चलो जी एक सवाल और करने की बात हुई थी लेकिन ये लड़का बीच में आ गया था जो अपने ससुराल में पढ़ा रहता भैया की में। सवाल ये है जी टेन थीटा बराबर साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, टेन थीटा बराबर साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, तो आपको बताना है कि साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या होगा, ये आपको बताना है। अरे कितनी प्यारी बिटिया है ये, तुरंत सवाल देख के उत्तर बता देती है, इसका मतलब कि ये 100 सवाल कितनी देर में कर देगी, आपको क्या लगता है? जिंदगी की ना
चल रहा था, बटन तो ऑफ नहीं। वन आ रहा है, ऑप्शन क्यों दे दे भाई? चलिए जी, घोष जी को फोन लगाया जाए। कोई नहीं जी, आज हमारा स्पीकर काम नहीं कर रहा, बात नहीं हो सकती, वन वे कम्युनिकेशन होगा। हाय, देखो भाई, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आपको पता है कि ये रेशियो है, और रेशियो को हम कैसे लिखते हैं? साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बराबर के साइन थीटा, यही लिखते हैं। साइन अल्फा नहीं, माइनस वाला है ऊपर, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बराबर के कॉस थीटा। अगर स्क्वायर करके जोड़ दें तो क्या होगा जी? आपको पता है अल्फा एलिमिनेट करना है, के का मान निकालना है, ये तो आप समझ रहे हैं। तो स्क्वायर करके जोड़ेंगे इधर तो खाली के स्क्वायर हो जाएगा। ए भाई, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा वन आ जाएगा, और वन माइनस टू साइन अल्फा कॉस अल्फा, इतना आप समझना सीख जाओ। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा लिखेंगे तो आ जाएगा वन प्लस टू साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये चीज कट जाएगी इससे, तो के स्क्वायर कितना आ जाएगा? टू। तो के कितना आ जाएगा? प्लस माइनस रूट टू। के प्लस माइनस रूट टू आ गया। अब कुछ भी पूछ रहा है, प्लस वाला पूछ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा? प्लस माइनस रूट टू कॉस थीटा। अगर साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा